हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, तेजस नेटवर्क्स की ओर से सितंबर क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। अनऑडिटेड, स्टैंडअलोन, कंसोलिडेटेड दोनों फाइनेंशियल रिजल्ट आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और हाफ ईयर एंडेड का, जो कि आज इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कि गाइस, कंपनी की ओर से अनऑडिटेड रिजल्ट आउट हो चुका है करोड़ में नंबर से, पहले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। नंबर्स की बात करें करोड़ में है, और इनकम है इस बार का 2821.8 करोड़ का, जून 24 में 1575.8 करोड़ का, सितंबर 23 में 413.9 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 2411.3 करोड़ का सितंबर, जून 24 में 1454.2 करोड़ का, सितंबर 23 में 431.6 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी कंपनी का इंक्रीज किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में। जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 410.5 करोड़ का, जून 24 में 121.5 करोड़ का, सितंबर 23 में 17.7 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 275 करोड़ का, जून 24 में 77.4 करोड़ का, और सितंबर 23 में 12.8 करोड़ का लॉस है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 15.75 रुपीज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया, क्योंकि इनकम प्रॉफिट दोनों इंक्रीज करते हुए देखने को मिला है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है गाइस। अगर हम स्टैंडअलोन कवर करें, इनकम है इस बार का अगर देखा जाए तो 2820.7 करोड़ का, जून 24 में 1575 करोड़ का, सितंबर 23 में 412.5 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 2409.4 करोड़ का सितंबर, जून 24 में 1450.6 करोड़ का, और सितंबर 23 में 426.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 411 करोड़ का, जून 24 में 124 करोड़ का, और सितंबर 23 में 14.4 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 266 करोड़ का, जून 24 में 81 करोड़ का, और सितंबर 23 में 9.4 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। गाइस, कंपनी का अगर हम ईपीएस की बात करें तो 15.23 रुपीज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेश किया गया, नो डाउट, क्योंकि इनकम प्रॉफिट दोनों इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। इसका रिजल्ट आया 5:50 पीएम में, 1180 रुपीज पे शेयर क्लोज किया, 4.8% का प्रॉफिट दिया। आज के दिन 5 डे में 0.9% का लॉस है, 1 मंथ में 4.2% का लॉस है, 6 मंथ में 48% का प्रॉफिट है। तो गाइस, कंपनी का शेयर ऑलरेडी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी शेयर ले रहे हैं तो आप होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।